इस वीडियो में आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन क्या होगा? ये नंबर दिया है 2750 रुपये, बी नंबर 2825 रुपये, सी नंबर 3050 रुपये, डी नंबर 3025 रुपये। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन निकालना है, मिश्रधन क्या होगा? प्रश्नों को हल करते हैं। प्रथम वर्ष के लिए मूलधन दिया है 2500 रुपये, प्रथम वर्ष के लिए ब्याज, ये फॉर्मूला है PRT/100, इसको ले लेते हैं। 2500 रुपये इंटू 10% इंटू 1 प्रथम वर्ष के लिए बाय 100, ये 200 ना कट गया, ये हो गया 25 इंटू 10 250 रुपये। आप 1 वर्ष के अंत में मिश्रधन ₹2500 + ₹250 इक्वल टू हो जाएगा 2750 रुपये, ये हो गया मिश्रधन। दूसरे वर्ष के लिए मिश्रधन 2750 रुपये, इसलिए दूसरे वर्ष के लिए ब्याज हो गया PRT/100, पी का मान निकला है इतना 2750 × 10 × 1/100, 100 काट दिए, 100 काट दिए, ये हो गया 275 रुपये दूसरे वर्ष के लिए ब्याज, 2750 और 275 रुपये, ये 3025 रुपये, ये हो गया डी नंबर उसका आंसर। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ए नंबर दिया है 152.20 रुपये, बी नंबर 163.40 रुपये, सी नंबर 163.20 रुपये, डी नंबर 168.60 रुपये। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है 2 वर्षों का। इसमें दिया है मूलधन 2000 रुपये, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 और 2 वर्ष के लिए
एन बराबर 2 वर्ष। हल करते हैं, मूलधन पी इक्वल टू 2000 रुपये, दर आर इक्वल टू 4% वार्षिक, समय टी इक्वल टू एन इक्वल टू 2 वर्ष, मिश्रधन ए इक्वल टू हट निकालना है। तो हम लोग सूत्रों से जानते हैं ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस R/100 एन पी का मान दिया है 2000, 1 प्लस R/4/100 एन का मान दिया है 2 वर्ष, ये काट देते हैं, ये 4 25 100 हो गया। इसका लॉस करते हैं, ए इक्वल टू 2000 और ये 25 प्लस 1/25 power 2, ये हो गया 2000 और ये इंटू 26/25 इंटू 26/25, इसको काट देते हैं तो ये हो गया 80। इसको 80 इंटू 26 इंटू 26/25, उसको भाग देते हैं, ये हो जाएगा 2163.20 रुपये, ये हो गया मिश्र धन। इसीलिए CI कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज इक्वल टू ए माइनस पी होता है, तो ए का मान दिया है, निकला है 2163.20 और बी का ए माइनस पी होता है तो पी का मान 2000 दिया है, इसको घटाएंगे तो 163.20 रुपया ये निकल गया चक्रवृद्धि ब्याज, ये हो गया 163.20 रुपया आंसर। ये हो गया सी नंबर इसका ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 1000 रुपये पर 2% वार्षिक की दर से 1 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करें यदि ब्याज छमाही संयोजित होता है। ए नंबर दिया है 1020.10 रुपये, बी नंबर 1030.50 रुपये, सी नंबर 1045.60 रुपये, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। मिश्रधन ज्ञात करना है जबकि ब्याज छमाही संयोजित होता हो, तो प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न अनुसार पी इक्वल टू दिया है 1000 रुपये और आर इक्वल टू दिया है 2/2%, यानी 1 वर्ष में 2% वार्षिक ब्याज की जैसे 1 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करना है। तो 1 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करना है तो यार 2% जो दिया है जो छमाही है 2 वर्ष, 2 बार छमाही, तो 2 से भाग देना पड़ेगा, ये हो गया छमाही।
यानी एक पर्सन हो गया ये छमाही। इसीलिए एन एन इक्वल टू समय टी इक्वल टू एन इक्वल टू वन इंटू टू यानी टू, क्योंकि ये ब्याज का संयोजन छमाही है, ब्याज का संयोजित या संयोजन छमाही है। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से ए इक्वल टू पी आर वन प्लस आर बाय हंड्रेड पावर एन। तो ये हो गया पी का मान 1000 दिया है और वन प्लस ये वन बाय हंड्रेड पावर टू, इसको 1000 वन प्लस इसको भाग देंगे खाया तो 0.01 होगा, एक को 100 से भाग देंगे तो, और ये हो गया टू। अब इसको 1000 इंटू 1.01 इंटू 1.01 हो गया, इसको 1000 लिखते हैं इंटू 1.02 इसको गुना करेंगे, इसको इसको गुना करें तो 1.02 होगा। ये हो गया 1020.1000 रुपये, इसको लिख सकते हैं 1020.10 रुपये। ये हो गया मिश्र धन, ये बराबर मिश्र धन, इसलिए मिश्र धन इक्वल टू ये 1020.10 रुपया आंसर निकाल लें। 1020.10 रुपया ये भी दिया है, ये हो गया उसका उत्तर।